नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, एक्यूरस एसेंडेंट वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के विषय में। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन 13 अप्रैल 2022 को से लेकर के 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में रहेगा। ये जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है मीन राशि के अंदर, यह क्या फल प्रदान करेगा कुंभ लगन वाले जातकों को, तो ये जो प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 11 अंक लिखा है तो आपका कुंभ लगन है, एक्यूरस एसेंडेंट है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति किस भाव से गोचर करेंगे। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति उनके सेकेंड और उनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके सेकेंड हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को पर्याप्त मात्रा में लिक्विड कैश की प्राप्ति हो पाना और अपने धन को संचय कर पाना, सभी प्रकार के लाभों की प्राप्तियां कर पाना, ये सब चीजें इन्हें प्राप्त होंगी। इस समय में कुंभ लगन वाले जातक देखेंगे कि इन्हें अच्छा धन संचय करने का अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है इस समय में ये गोल्ड इत्यादि में निवेश कर पाए। गोल्ड के साथ साथ ये स्टॉक मार्केट, RDFD इंश्योरेंस पॉलिसी में भी अपने धन को निवेश कर पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को उनके अच्छे मित्रों का सुख प्राप्त होना, उनके साथ कोई अच्छी पार्टी इत्यादि एंजॉय कर पाना, अच्छा नेम फेम प्राप्त हो जाना का अवसर प्राप्त हो, शुभ अवसर प्राप्त होता है। इस समय अंतराल में कुंभ लगन वाले जातकों को अच्छे और स्वादिष्ट भोजन का, प्रसादम इत्यादि का भी लाभ यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। इस समय में कुंभ लगन वाले जातकों की वाणी के अंदर काफी मात्रा में शुभता देखी जाएगी। इस समय में मंत्र उच्चारण करना, भजन इत्यादि का गान करना, धार्मिक आयोजन करना, इन सब चीजों में ये रिलेट रह करके कार्य करेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ अब बात करते हैं कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टियों के विषय में। देवगुरु बृहस्पति की 3 अमृतमय दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो देवगुरु बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर अगर आपने किसी से ऋण लिया था तो वह ऋण आप आसानी से छुटा पाएंगे, आपका ऋण आसानी से उतर जाएगा। इसके साथ साथ क्योंकि पर्याप्त मात्रा में आपको धन की प्राप्ति होगी तो आप ऋण आसानी से उतार पाएंगे। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करने के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो इस समय में आपको ऋण आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मामा और मौसी के माध्यम से भी कुछ लाभ या एडवाइस प्राप्त कर पाएंगे। अगर उनसे कुछ धन की हेल्प आप लेना चाहते हैं तो वह हेल्प भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा पता चलता है। इसके साथ साथ अगर कुंभ लगन वाले जातकों का कोई कोर्ट कचहरी या न्यायपालिका से रिलेटेड कोई मैटर चल रहा था तो काफ़ी प्रबल संभावना बनती है कि मैटर उनके फेवर में जा पाए और उन्हें इन सब चीजों का लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि अगर आपको पिछले समय में कुछ डिजीज थी या कोई पुराना रोग आपको था तो इस समय अंतराल के अंदर वो ठीक होता दिखाई देगा, उसके अंदर काफी मात्रा में सुधार के लक्षण दिखाई देंगे और वह धीरे धीरे करके सही हो जाएगा, ऐसा मान करके चले। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको अगर आपके कुटुंब के सदस्यों से कोई चल अचल संपत्ति प्राप्त होने वाली थी, नहीं प्राप्त हो पा रही थी तो उसे आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा शुभ अवसर आपको प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में कुंभ लगन वाले जातकों को उनके स्पाउस की वाणी के अंदर भी काफी शुभता देखने को मिलेगी। इस समय अंतराल में कुंभ लगन वाले जातक जो जिनके स्पाउस है वे अपने स्पाउस के माध्यम से मंत्र उच्चारण, भजन कीर्तन इत्यादि कराने का अवसर में प्राप्त होगा, इसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में कुंभ लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस के परिवार वालों से मिलने का, उनके साथ कोई धार्मिक आयोजन करने का,
उनसे कुछ लाभ, नेम फेम, मान सम्मान की प्राप्तियां होने का भी शुभ अवसर उन्हें प्राप्त होगा। इसके बाद बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट की, जो आपके 10th हाउस पर पड़ती है। तो ये बताती है इस समय अंतराल में कुंभ लगन वाले जातकों को अगर वे कोई बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए ऋण लेना चाह रहे हैं, तो ऋण आराम से मिल जाएगा। और इस समय अंतराल के अंदर वे अगर कोई कार्य व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो काफी अच्छा इस समय में इनका कार्य व्यवसाय चल पाएगा। कार्य व्यवसाय को स्टार्टिंग करने के लिए या उसके अंदर कोई नया बिजनेस इम्प्लीमेंट करने के लिए या नए प्रोडक्ट्स और सर्विस को ऐड करने के लिए ये समय उत्तम रहेगा। इस समय का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और जो जातक कुंभ लगन वाले जॉब करते हैं तो इस समय अंतराल के अंदर उन्हें जॉब के अंदर प्रमोशन मिल पाना, प्रमोशन के साथ साथ उन्हें इंक्रीमेंट इत्यादि चीजों का लाभ भी यहाँ पर प्राप्त होता दिखाई देता है। जो कुंभ लगन वाले जातक पिछले समय में किसी कारण से जॉबलेस थे, उनके पास कोई कार्य व्यवसाय नहीं था, अगर वे बिजनेस करना चाहते हैं तो इस समय अंतराल को यूज करके, का प्रयोग करके नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। और अगर वे जॉब करना ही चाहते हैं तो जॉब के लिए अप्लाई करें, इस समय में उन्हें अच्छी जॉब की प्राप्ति हो पाने की यहाँ पर संभावना दिखाई देती है। इस समय अंतराल के अंदर जो कुंभ लगन वाले जातक हैं उन्हें उनके बॉस से, अगर जॉब करते हैं तो बॉस से नेम फेम और एप्रिसिएशन मिलने की, इसके साथ साथ प्रमोशन होना, सैलरी इंक्रीमेंट होना, ये सब चीजें यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती हैं। ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, आपकी कंपनी ग्रो कर रही होगी, तो कंपनी ग्रो करेगी तो आपको भी यहाँ पर लाभ प्रदान करता हुआ दिखता है। इसके साथ साथ 29 जुलाई 2022 से 24 नवंबर 2022 तक अप्रोक्सीमेटली 119 दिन के लिए देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में यहाँ रेट्रोगेट हो जाएंगे। जिस समय अंतराल के अंदर देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट होंगे, उस समय अंतराल के अंदर आपको कोई भी नया कार्य व्यवसाय नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए और अपनी हेल्थ के लिए, अगर कोई डिजीज थी उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। देखिए, केयरफुल रहना चाहिए, कुछ खाने पीने की चीज़ों पर थोड़ा सा केयरफुल रहें, कोई अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं। अगर मार्केट से कोई चीज़ लेते हैं तो फ्रेश और अच्छी हाइजेनिक चीज़ लेकर के खाएं, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रह पाएगा। इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए रहेगा। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर अपने कार्य व्यवसाय में कोई चेंज ना करें, कोई इम्प्लीमेंट ना करें किसी चीज़ को, कोई सर्विस प्रोडक्ट ऐड ना करें। इस समय अगर इस समय में आप किसी नए कार्य को ऐड करते हैं, नई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, का काम करते हैं या नया प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो भविष्य में इसके रिजल्ट अच्छे आने की संभावना यहाँ से नहीं दिखती है। इस समय इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि रेट्रोगेशन होता क्या है। देखिए, यूनिवर्स में सभी प्लेनेट आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, जो जिस जिस चार डायरेक्शन में जा रहा है वहां से आगे की तरफ ही मूवमेंट करता है। तो अगर हम अर्थ पर बैठ करके किसी स्लो मूविंग प्लेनेट को देखते हैं तो वह हमें पीछे की ओर आता हुआ दिखाई देता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है, जबकि वो जा आगे की साइड ही रहा होता है। इस चीज को आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम कभी किसी फास्ट मूविंग कार में बैठ करके अपने पीछे से आती हुई स्लो मूविंग कार को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो स्लो मूविंग कार हमारे पीछे आ रही है वह पीछे की ओर जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है, परंतु होता नहीं है। तो ये चीज आप इस तरीके से देखेंगे। तो इस समय अंतराल के अंदर कुंभ लगन वाले जातकों को कोई भी नया कार्य करने से बचना चाहिए, और अगर देखिए करना आवश्यक ही हो जाता है तो क्या किया जाए, तो उसके लिए एक उपाय मैं बताता हूं। गुरुवार के दिन केसर का सेवन करें। केसर आता है पूजा पाठ की सामग्री की शॉप पर इजीली मिल जाता है, कन्फेक्ट और पंसारी की दुकान पर भी मिल जाता है, जहाँ पर दाल मसाले मिलते हैं वहाँ पर भी मिल जाता है। इसे लेकर के गुरुवार के दिन आप इसका सेवन किया करें, इसे खाया करें, तो काफ़ी संभावना बनती है कि आपके जो भी कार्य आप इस समयकाल के अंदर करना शुरू करना चाहते हैं या कर रहे हैं उसके अंदर काफ़ी प्रबल संभावना हो जाती है कि आपका कार्य पूर्ण हो जाए, निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, ऐसी संभावना बनती है। तो ये था एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए, कुंभ लगन वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।